वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडा सारिआं दा मैं बहुत बहुत वेलकम करदा तुहाडे अपने चैनल टर्बन स्वैग जगजीत बाबा दे। जिद्दां कि तुसीं पहली वीडियो नूं बहुत ज़्यादा प्यार दिता, उम्मीद आ कि इस वाली वीडियो नूं भी तुसीं बहुत ही प्यार दोगे। अज तुहाडे लई लै के आया मैं पटियाला शहीद दस्तार साफ पेचा वाली, मतलब कि 6 पेचा वाली, जिहदी लंबाई जिहड़ी आ 7.80 मीटर आ। कपड़ा फुल वेल है ते इहदे नाल नाल तुसीं कमेंटां दे विच अपना सुझाव जरूर देना जी। सो स्टार्ट करदे आ जी परने तो। परना जिहड़ा लैणा जी इदां ही हाफ तो हाफ 2.5 मीटर लम्मा इदां जोड़ के बनना जी। खब्बे पासे उद्दा कन कवर करके सज्जे पासे उपर नूं लैणा जी लड़, पग वांगू लड़ लवांगे जी। दूजा लड़ कन्न के उत्तों भावे लै आओ जी, विच पैकिंग रखांगे। इदां ही कन्न कवर करके लास्ट लड़ पूरी पैकिंग जिहड़ी आ कवर कर दांगे परने दे नाल जी। उस तो बाद 50 बनावे, इसनों आपां पटके नूं ते करके ते आपां 50 बनांगे जी। 2.5 उंगल पर सिंगल गड भी चल जूगी पिछले पासे दोहरी करके। तो स्टार्ट करते पहला लड़, इदा ही कनारा फट के जी। ये जी मेरी पग है जी थोड़ी जी छोटी है, जिस करके मैं लड़ जोड़ा आ पूरा पूरा मूँह च रखना पेगा। तुम अपने मुताबक इसमें वधा भी सकते हो घटा भी सकते हो। अगों जी डबल करके लड़ू अद्धी गल कान दे थलों ला के पहला लड़ लग जाएगा जी। दूजे पासों साफ करके जी उपरे पासों पहले लड़ के विचकार पिंच करना जी। दूजे लड़ नूं दूजे पासे साफ करके एक बार फिर पिंच कर देना जी। एक बार फिर दस्सदा जी पहले लड़ के विचकार पिंच एक बार करके अंगूठे नाल अगों कट करके ढिला पासा फिर विच वड़ लैणा जी, जिहदे नाल अपना लड़ अपना तैयार हो जाएगा जी। अगों गैप आप घट रखा पिछों की बधाते जावे। इदा ही तीजा लड़ पिछों लड़ चक के जी दो उंगल या एक उंगल छड़ के गैप पा के इदा ही दूजे लड़ ते सेंटर च अंगूठा लगा के पिंच करके फिर एक ढीले कपड़े बिच वार देंगे, जिद में अपना लड़ तीजा तैयार हो जाएगा जी। पिछले पासों चौड़ा करते जावे लड़ नूं दूजे लड़ नूं थोड़ा जिहा विच कर देंगे जी। इदा ही
चौथा लड़ जिहड़ा दो उंगल आपां साफ करके मोटा पासा थोड़ा जिहा खिच के पिछले पासों लड़ खिच के थोड़ा जिहा तां चक के पटियाला शाही शेप दे के दो उंगल दा गैप पा के खन कवर करते हुए सेंटर दे विच फिर इस तरह अगो साफ करते हुए तीला कपड़ा फिर विच करके चौथा लड़ पुतना तैयार हुंदा होया। इस तरह पिछले पासों थोड़े थोड़े चौड़े लड़ करांगे जिस ना अगले लड़ जेड़े आ वो सिर वाले पासे नहीं डिगदे जी। इस तरह ही पंजवां लड़ इदां ही ढिला पासा विच करके थर्डा किनारा फड़ के उखरों साफ करके दो उंगलों ना गैप पा के जिद फिर अगले पासों ढिला पासा विच करते हुए पंजवां लड़ आपां त्यार करांगे जी। ठीक इस तरह ਉੱਪਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੜ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵਾਂ ਪੇਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੁੱਜੇ ਦੀ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਚਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੜ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਥੱਲੜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਸਟ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
इस वाले किनारे थे, फिर सेंटर वाले दे, फिर इधर वाले दे, पिन लगा के इस तैयार करांगे कलगी नूं इस तरह जी, फिर इस तरह। फिर जिहड़े पासे लड़ तुहाडे तैयार होए ने उधर ही साइड इस लड़ नूं आपां दवांगे, उपरे पासों लड़ बाज देना ठीक करके इस तरह पटियाला शाही शेप देवांगे, अखां तों थोड़ी थोड़ी छक के वट कट के जी पिछले पासों भी सारे पेच साफ करते हुए इस तरह इसनूं माड़े माड़े थोड़े थोड़े मोटे करांगे। जिस तरह जिहड़े लड़ दी कलैरिटी होर ज़्यादा बन जाती है जी, पर कई पतले लड़ ज़्यादा पसंद होंदे आ, वो थोड़ी थोड़ी सिलाई मार के इसनूं उसे तरह रहन देंगे, फिर भी पग जिहड़ी आ दस्तार तुहाडी सोहणी लगेगी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਰ ਢਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੱਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ लाइक ते शेयर जरूर करियो जी, तो कमेंटा दे विच अपना सुझाव जिहड़ा आ जरूर दिओ जी। तो वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।